नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका सामने आ चुका हूँ कुछ पर्सनल बात शेयर करने के लिए, क्योंकि पर्सनल बात एक्चुअली शेयर नहीं किया जाता है, फिर भी मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। नहीं शेयर करेगा तो मेरा दिल में रखेगा तो और भी खराब लगेगा, अगर किसी को बोलेगा तो थोड़ा बोझ भी हल्का होगा, थोड़ा महसूस भी अच्छा होगा, तो इसके लिए आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को लाइक शेयर एंड कमेंट कुछ भी करने के लिए मैं नहीं बोलेगा, क्योंकि ये पर्सनल एक शेयरिंग है, इसके लिए मैं आप लोगों को लाइक शेयर कमेंट करने के लिए नहीं बोलेगा। आपका मर्जी है, आपको अगर अच्छा लगेगा सुन के तो आप लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपका मर्जी के ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आज बताने वाला हूँ, मैं गया था बहरीन में, वहाँ पे कुछ शूटिंग करने के लिए। तो शूटिंग करने के बाद मैं 28 को, डेट ऑफ 28 मतलब 28/10/2019 में मेरा फ्लाइट था इंडिया के लिए। वो फ्लाइट 5 बजे का फ्लाइट था, शाम 5 बजे। तो मैं रूम से ही जस्ट निकलने ही वाला था, तो मेरा लगेज लेके, तो गाड़ी आके नीचे खड़ी थी मेरे को लेने के लिए। तो उसमें क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं नीचे उतर रहा था सीढ़ी से, तो अचानक क्या है, मेरा पैर में बहुत ज़बरदस्त मोच आ गया, मतलब मैं सीढ़ी में ही गिर गया। तो व्यूअर्स, मेरा फ्रेंड, मैं क्या बताऊँ, तभी मेरा ऐसा सिचुएशन हुआ था, मैं उठ नहीं पाया, 5 मिनट उधर बैठा हुआ था। बाद में मैं एयरपोर्ट के अंदर गया, एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद मेरे को इतना दर्द शुरू हुआ, आप पूछिए ही मत, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था जो सहन नहीं सकता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कौन सा सिचुएशन में मैं इंडिया पहुँचा हूँ और कैसे पहुँचा हूँ, कौन सा तकलीफ को। तो मेरा बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ था, उसके बाद एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद तुरंत मैं मेडिकल में गया, मतलब वहाँ पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है वहाँ पे गया। वहाँ पे मीट करने के बाद वहाँ पे बातचीत किया, तो मैंने कोई एक दवाई दिया दर्द का, वो दवाई दे के मेरे को छोड़ दिया, बोला इधर आपका फ्लाइट जल्दी है, आप ये दवाई खा लीजिए, उसके बाद आप दुबई में जब लैंड करेंगे तभी दुबई में आप उधर चेकअप करा लेंगे, उधर ऑलरेडी मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री है। आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, आप जब भी फ्लाइट में उड़ान भरते हैं, मतलब फ्लाइट में जब भी आप जाते हैं, तभी फ्लाइट कंपनी, मतलब जो भी कंपनी हो, वो जेटीआर हो या एयर इंडिया हो या स्पाइसजेट हो या इत्तेहाद या एमिरेट्स या कुछ भी फ्लाइट हो या श्रीलंका एयरलाइंस, कुछ भी फ्लाइट हो, तो उन्होंने जो टिकट का प्राइस लेता है, जो भी है 1,000, 2,000 या 14,000 जितना भी लेता है, तो उसमें पूरा इंक्लूडिंग आता है, मतलब पूरा जोड़ के, खाना लेके आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी होगा, उसको सब टोटल करके आपको वो फ्लाइट का प्राइस लेता है। ओके, तो आपका इंश्योरेंस भी रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो लोग तुरंत आपको ट्रीटमेंट भी करेगा, जो भी जितने जैसा प्रॉब्लम होगा उसके ऊपर आपको सहायता करेगा। तो मेरा भी ऐसा ही हुआ है, तो उधर मैं गया, तो दुबई का फ्लाइट से, सॉरी बहरीन का फ्लाइट से मैं दुबई में पहुंचा। दुबई में पहुंचने के बाद और भी तेज़ ज़्यादा मेरा को दर्द शुरू होने लगा। तो उसके बाद मैं उधर मेडिकल जो डिपार्टमेंट रहता है वहाँ पे मैं बात किया,
बात करने के बाद मैं बताया उन लोग को कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अभी क्या करूं, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बताया ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10 मिनट इधर बैठिए, हमारा टीम अभी आएगा, अभी आने के बाद आपको लेके जाएगा चेकअप के लिए। तो सही में आप लोगों को क्या बताऊँ, इतना फास्ट काम हुआ है, इतना फास्ट काम हुआ है, बहुत ज़्यादा फास्ट काम हुआ है। तुरंत आ गया, 10 मिनट बोला था, 5 मिनट में ही आ गया, गाड़ी लेके पूरा इंतज़ाम करके मेरे को जो लोगों का जो ट्रॉली रहता है ट्रॉली में बिठाया, बिठाने के बाद मेरे को लेके गया मेडिकल सेंटर। नॉर्मल उसके पहले मेरे को नॉर्मल चेकअप किया, मेरा बीपी कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर कितना है, पूरा मेरे को डिटेल्स उधर ही मैं बैठा हुआ था, उधर ही मेरे को चेकअप किया। चेकअप करने के बाद मेरे को लेके गया मेडिकल सेंटर के अंदर, जहाँ पे डॉक्टर लोग रहता है वहाँ पे लेके गया, वहाँ पे ले जाके मेरे को पूरा चेकअप किया। चेकअप करने के बाद मेरे को पूछा जे कभी हुआ, क्या हुआ, डिटेल्स मेरे को पूछा, तो वो मैं पूरा बताया। बाद में मेरे को बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मोच आया है थोड़ा ज़्यादा, आप एक बार इंडिया में जाके एक्सरे करा लेंगे, क्योंकि आपका फ्लाइट जल्दी है, इसके लिए इधर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, आपको नॉर्मल ट्रीटमेंट में कर देता हूँ, और उसका वीडियो भी मैं आपको दिखाएगा ठीक है, जो वहाँ पे कैसा ट्रीटमेंट हुआ है और कैसा नज़ारा है, दुबई एयरपोर्ट कैसा है, बहरीन एयरपोर्ट कैसा है, कौन सा रीति निवास पे चलता है। और मैं आया था, मेरा फ्लाइट था इमरेट्स फ्लाइट में मैं आया था, उसमें मैं फ्लाइट के बारे में भी मैं इसका नेक्स्ट वीडियो जो बनाएगा उसमें मैं बताएगा वो फ्लाइट में क्या क्या है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लाइट है, आप समझ लो वो कम से कम 30 मीटर तो होगा ही होगा, 30 मीटर से ज़्यादा भी होगा कम नहीं, मतलब एक साइड में लाइन आप गिनेंगे तो 12 सीट है, बीच में 4, उधर 3, इधर 3, सॉरी 12 नहीं है, 3 3 6 हो गया, 6 और इधर 4, 10, एक लाइन में 10 सीट है। तो वहाँ पे VIP है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, उसके बाद बहुत सारा डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट का सब सीट लगा हुआ है आगे से पीछे तक। तो बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लाइट है और बहुत शानदार है, वहाँ का रीति रिवाज भी बहुत अच्छा है, बहुत सारा अच्छा से इधर व्यवहार किया वहाँ पे, जो एयर होस्टल का जो मेल या जेंट्स मेल या फीमेल एयर होस्टल जो लोग रहती है या रहता है वो लोग बहुत अच्छा से सेवा किया पूरा यात्री का, कोई प्रॉब्लम नहीं होना दिया। तो आप ये वीडियो देखिए, मेरा जो सिचुएशन हुआ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सा सिचुएशन मेरा हुआ था, क्या बताऊँ आपको, मेरे को रोना आ गया था, लेकिन आप लोग का प्यार से और आप लोग का दुआ से, मतलब भगवान का ऊपर जो आपने दुआ किया है या प्यार किया है, जो भी है, जो आशीर्वाद दिया है, बड़ा का आशीर्वाद छोटा का प्यार, आप लोगों से ही मैं बराबर सही होके आ गया। तो अभी मेरा अभी ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी चल सकता हूँ, तभी तो बहुत प्रॉब्लम था। तो चलिए आप लोग को मैं दिखाता हूँ वहाँ का सिचुएशन क्या हुआ था और कैसे मेरे को चेकअप किया, तो मैं डिटेल्स आपको दिखाता हूँ। तो आप जुड़े रहिए टी रोज वॉल्गोस चैनल से, तो इसके बाद भी आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत सारा टाइप का वीडियो, आपको जो टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं आप उसी टाइप का वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो फिर मैं लेके आएगा, और आप लोग को कौन सा वीडियो पसंद है वो भी मेरे को बताइएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा उसी टाइप का वीडियो ले आने के लिए और बनाने के लिए, और आप लोग का सपोर्ट अगर नहीं रहेगा तो मैं कैसे बनाएगा, आप ही बोलिए। और एक बात है, मैं आपको बाद में बताएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताएगा वो भी एक सीक्रेट बात है, वो भी मैं आप लोग को शेयर करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, सब अच्छे से रहिए,
खुश रहिए। गाइस मैं अभी दुबई में, दुबई का मेडिकल सेंटर में हूँ, लेकिन थोड़ा सा ही लगा था, ज़्यादा नहीं लगा था। आप देख सकते हो ये मेरा इधर लगा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। अभी मेरे को रिलीज कर दिया है, रिलीज पेपर दे दिया, डिस्चार्ज का पेपर दे दिया है ऑलरेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई साहब मेरे को लेके आया इधर व्हील चेयर से, तो बहुत बहुत शुक्रिया ले आने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, कभी भी आप लोग सीढ़ी से उतरने का टाइम में या बाथरूम में जाने का टाइम में केयरफुल होने का, क्योंकि केयरफुल नहीं होंगे आप लोग तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप मेरे तरह ही स्लिप होके गिर सकते हो, और बहुत जगह पे मैं सुना है जो गिर के पैर टूट गया है, किसी का कमर टूट गया है। आप लोग का आशीर्वाद था, आप लोग का प्यार था, इसके लिए मेरा कुछ हुआ नहीं। तो ऐसा मत समझिए जो आपका भी ऐसा ही होगा। तो इसके लिए मैं आपको सलाह देता हूं, मैं आपको बताता हूं, कभी भी आप अनकेयरफुल होके नहीं चलने का, हमेशा केयरफुल होके चलने का, कभी भी जल्दी नहीं करने का। जो मेरे को जल्दी जाना है, 5 मिनट लेट हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जल्दीबाजी में एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ही खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।